लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे अदा, यहाँ की दो भैंसें भी होशियार हैं, इन पंचायत वालों की क्या बात पूछते हो? मैं है ना, फिकर नहीं करने का, ये जो पंचायती है ना, इनका मुंह मैं बंद करेगा। अरे बाबा तू क्या मुंह बंद करेगा, वो तेरा तो अपना मुंह बंद है तुम्हारे कारोबार की तरह। बाबा ये जो है ना, ये बुरा वक्त हर एक पे आता है। ओ बाबा बुरा वक्त हर पे आता है, लेकिन तुम पर से तो बुरा वक्त जा ही नहीं रहा ना। तुम मेरा दोस्त नहीं, तुम मेरा दुश्मन हो ना, यही कहना चाहते हो ना? नहीं भाई, तुम हमारे सास है। सास? सास कहाँ से आ गए? ये वो सास नहीं होती, ये वाला सास। चल 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 चल, सास कर, सास है। अरे जुमन, ओ जुमन, अरे बाबा आज 200 लीटर दूध चाहिए। हाँ सारी भैंसे आज ही खाली करने का। अरे सेठ साहब, अरे तेरे जैसे लोगों के जेब भरने के लिए तो हमें भैंसों को खाली करना पड़ता है ना बाबा। ये सेठ बनना आसान नहीं। तू सेठ है? और तू तो नाम का सेठ है। ऐसे बात है नहीं, आज भी मैं मार्केट में खड़ा हो जाना तो मेरी कीमत पता कितनी है? 20,000 रुपए। ये तो मेरे सूट का कीमत है जी। तो मैंने भी तुम्हारे सूट की कीमत बताई है, वो तेरे की तो 2 रुपए भी कीमत नहीं है। मैं आदमी थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा नहीं, खट्टा मीठा। अरे बाबा तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार शहर में हो तो तुमको पता हो ना कि वहाँ की जिंदगी कैसी है। और आप भी ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, आपका भी कोई रिश्तेदार गांव में हो ना तो आपको पता चले जो जिंदगी इधर नजर आ रही है ये कितनी मुश्किल है। बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपस में रिश्तेदार हैं। वो कैसे अदा? वो क्या है कि ये मेरा मुंह वाला भाई है मेरा। क्यों नहीं, बिल्कुल मेरा भाई है ना। ये जो दूध का जो डब्बा है ना, उसमें दूध जो है यही सप्लाई करते ना मेरे को। मुंह बोले तो मैं भी अपने घर के अंदर सरताज बनावा, पर हकीकत क्या है ये तो मैं ही जानता हूँ ना। आप लोग दोनों अपनी रिश्तेदारियाँ जमा रहे हो इधर। मैं आदमी थोड़ा खट्टा तो थोड़ा मीठा जी। चलो जी, मिठो मिठो, चलो मिठो। रिश्तेदारियाँ जमाते हैं अपनी, बताते हैं मेरे को रिश्तेदार है ये लोग। उसने तो हमारा मुंह ही बंद कर दिया यार। हम दोनों का? हम दोनों का, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं साबित करके रहूंगा कि हम रिश्तेदार हैं। ये हाँ। तू क्या देख रहा है? देख नहीं रहा, बर्दाश्त कर रहा है। जा जा चल, जाके चाय लेके आ, चल निकल फूट। ओ यार चल बस। अरे बाबा तुम कहते थे ना कि हम लोग कुछ नहीं जानते, अरे असल में तुम लोग कुछ नहीं जानते, हमने शहर में रिश्तेदारी बना ली है। बाबा ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर किससे? ये तुम्हारे सामने क्या लाश पड़ी है? अरे यही तो है सेठ हिस्मत, हमारा रिश्तेदार। अरे बाबा मुझे ये बताओ, सुबह तक तो ये तुम्हारा मुंह बोला भाई था, उसके बाद क्या बना लिया? मेरे को तो लगता है कि तुमने आपस में अपनी औलादों की शादी तय कर दी है। इल्ले इल्ले नहीं नहीं नहीं, ये सही कह रहा है, सही कह रहा है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे बच्चों जा जाके मिठाई लेके आ, सरपंच का मुंह मिठा कर आ ले यार, चल जा। मिठाई लाने का? हाँ मिठाई लाने का, मीठा मीठा मीठा। खाओ अदा, खाओ खाओ खाओ। अदाब तो तुम्हें खुश होना चाहिए, हमारी आपस में रिश्तेदारी हो गई है ना। ऐसा क्या सजीव, मैंने अपने बेटे को पूछा नहीं ना। यार तेरे जहन में अभी तक ये बात चल रही है,
बाबा सारे गांव में पता लग गया है, अब हमारी का इज्जत पामाल करेगा क्या तू? लेकिन 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 कुछ नहीं है भाई, अब हमारी इज्जत का सवाल हो गया है। देखो तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत, हमारी इज्जत तुम्हारी इज्जत। तुम मेरी बेटी को नहीं जानता, वो जो है ना इस तरह आसानी से राजी नहीं होने का। ओ यार तेरी बेटी है या तू उसकी बेटी है? माला तुम शहर की बच्चियों को जानता नहीं है, इतना आसान नहीं है ना। ठीक है तो फिर हम जो है ना दूध की सप्लाई बंद कर देते हैं और सारी उधार एक दिन में चुकता कर देना। अरे आओ बच्चू हम जा रहे हैं, आ जाओ। नहीं करना नहीं करना नहीं करना नहीं करना जे। अदा अस्मत, बात ये है कि मैंने आपसे कुछ कहा, उसका जवाब भी तो दो ना मुझे। मेरे को एतराज नहीं, पहले मैं अपनी बेटी से बात करेगा। हाँ तो अपनी बेटी से पूछ ले, इसमें मुझे तो कोई एतराज नहीं। देखो भाई हमने तो अपनी सारी बातें आपके सामने रख दी है, अब आपकी मर्जी है। मैं अपनी बेटी को इधर बुलाने का, तुम अपने बेटे से मिलवाने का, बाकी है ना मालिक ना। यार एक दफा अपने बेटे से मिला तो देना मेरे को। और तेरे को पता नहीं है? अरे यही तो मेरा शहजादा बच्चू है, मेरा बेटा। मैं आदमी थोड़ा खट्टा तो थोड़ा मीठा, जब बकरी का इतना खिदमत करता तो मेरी बेटी का तो बहुत ही करेगा मुझे। बेटी के काबू में आने ही आने थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? सही खैरियत है? ठीक है। अच्छा बाबा ये फैसला तुमने बहुत ही अच्छा किया है। हाँ, असल में होता क्या है कि हमारे गांव में और शहर के बच्चों में बड़ा फर्क होता है। बाबा फर्क ये है कि गांव के जो बच्चे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, इज्जत करते हैं, बहुत इखलाक से पेश आते हैं। इन सारी चीजों का फुकदान जो है वो शहरी बच्चों में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने ऐसा फैसला किया है, आपने तो दिलों को जोड़ा है ना। अभी आपने ऐसा किया है कि गांव की और शहरी जिंदगी को आपस में मिलाया है और ऐसी जुड़ी हुई जिंदगी बनेगी इंशाल्लाह, हमारी नस्लें याद रखेंगी। वेरी गुड, देर से आई लेकिन आ गई। कमाल किया सही, अल्लाह आपको खुश रखे मौला साहब। आमीन आमीन आमीन। मैं आदमी थोड़ा खट्टा तो थोड़ा मीठा दी जाने का। वाह वाह वाह, किस्मत वाले को मिलता है सदा माला भाई। खट्टा मीठा। खट्टा मीठा। पापा ये ऐसे एक बात करने को आपने मुझे वहां से यहाँ बुलवाया इस जगह? बस मेरे को तेरा जवाब सुनने का। तो जवाब तो मैं आपको फोन पे भी दे सकती थी ना। इट्स अ नो, मेरा जवाब ही नहीं। बेटा अपने बाप की मजबूरी तुम्हें नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? वही वो मौले की भैंसे। ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनना। कारोबार की हालत ना बहुत पतली है जी, हमारे लॉसेस होने की वजह से उधार दूध देने को कोई तैयार ही नहीं ना बेटा। ये सिर्फ मौलादार है जिसकी दोस्ती जो है बेलॉस है ना जी। आपके इस कारोबार के लॉसेस के चक्कर में और आपके उस बेलॉस दोस्त की जबान रखने के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी का लॉस कर दूं? वाह पापा वाह। मेरी जिंदगी भी कितना रह गया, मेरा तमाम चीजें गिरवी रखा, समझ नहीं आता मेरे बाद तुम्हारा क्या होना। सबसे बड़ी बात ये बच्चू जैसा बेवकूफ, मेरा मतलब भोला भाला शोहर कहीं नहीं मिलने का। हाँ। मैं तुम्हारा जिंदगी बनाने की बात कर रहा, तुम मेरे पे इल्जाम लगा रही है। ठीक है लेकिन मेरी कुछ शरायत होंगी और वो मैं बच्चों के सामने ही रखूंगी। मैं आदमी थोड़ा खट्टा तो थोड़ा मीठा जी। अरे मुंजी गाऊं एक बाल्टी और दे दे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो जाएगा बाबा, वर्ल्ड रिकॉर्ड। निकालो बाबा निकालो, दूध निकालो, शाबाश। बच्चों तुम्हारे बाप से कुछ बात हुआ ना था है ना, तो वो बेटी से मिलने का तुम आज इधर ही रहो, इधर ही रहो। आ रहे
आना। आगे कबूल है भाई। इतना जल्दी क्या है? अभी इधर ही हो तुम लोग, बातचीत करो, हम गाड़ी में बैठा, ठीक है? मिस्टर बच्चू, आप इधर आए, बात करनी है आपसे मुझे। अभी आए। हाँ तो मिस्टर बच्चू, शादी के बाद मैं शहर में ही रहूंगी। वाह सही वाह, और मैं आपके साथ ही रहूंगा। और मुझे शहर में अपना अलग घर चाहिए होगा, और शादी के बाद अपने अब्बू का कारोबार भी मैं ही आके लेकर चलूंगी। वाह सही वाह, अगर आप बोलो तो हम दोनों मिलकर चला ले कारोबार। जी नहीं, थैंक यू। अब ठीक है, मैं एक काम करूंगा कि कल ही कुछ जमीनें बेच के ना आपके लिए शहर में एक अच्छा सा घर खरीद लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। सही वो क्या? वो ये कि आपके डब्बे के दूध के कारोबार में हमारा ही दूध आएगा, बाकी बातें हम मिलकर तय कर लेंगे। ठीक है, मुझे अब कबूल। बच्चों, माय कॉबॉय। लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश मेम, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा। मजा आना, वेरी गुड। चले दी। अरे सही, नाश्ता तैयार है, तगड़ा नाश्ता। ये लो सही नाश्ता। अरे वाह बच्चू, माय गॉड। अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? ऊपर बैठो ना बेड पे। नहीं सही, नहीं बिस्तर पे नहीं बैठ सकता है सही, क्योंकि बिस्तर हमको अपने अंदर खींचता है। बच्चू माय गॉड बॉय, आराम से बैठो ना। अच्छा सही, आप कहते हैं तो ट्राई कर लेता है। अच्छा सही, एक बात पूछू, जब आप मुझे कहते हो ना बच्चू भाई कॉबॉय, सही दिल करता है जान दे तू। अच्छा बच्चू माय कॉबॉय, बच्चू माय कॉबॉय, बच्चू माय कॉबॉय, आप कब दोगे? क्या सही? अपनी जान। सही, आप बड़े मजाक के हो, कैसी बातें करते हो। अच्छा सही, एक बात बताओ सही, आप कितना पढ़े लिखे हो? मैं मास्टर। अरे वाह सही वाह, किस स्कूल में? सही स्कूल में? सही किस स्कूल में मास्टर? वो नहीं, मैंने मास्टर्स किया हुआ, यानी समझ लो 18 जमाते पढ़ी है मैंने। अच्छा, मैं समझा वो वाला मास्टर सही। वैसे तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा? सही पूरा। कितना पढ़े? हाँ सही पूरा, मोबाइल पे जो मैसेज आता है ना वो मैं पूरा पढ़ लेता हूँ। वो भी पढ़ लो तो बहुत है आपके लिए। सही, अब तो टेंशन ही नहीं है ना, अब आप आ गए हमारी जिंदगी में। नाश्ता करो ना सही, नाश्ता करो। ये आपने बहुत अच्छा किया, अपने हाथ से, अपनी गौ के दूध से मैंने चाय बनाई है सही। वाह बच्चू माय कॉबॉय। बाबा तुम्हारी अगर बात मानता ना तो कितना बेहतर होता। बेटी को तो एक ना एक दिन रुखसत होना, तुम्हारा किस्मत पर हंसी आना। बाबा एक ही बेटा था, वो भी रुखसत हो गया, अपने घर में नाश्ता तो दूर की बात है यार, एक गिलास पानी का इस कमबख्त ने नहीं पूछा। मेरी बेटी ना हिल के नहीं पीती थी, गिलास पानी का तो बहुत दूर का बात है जी। बाबा लेकिन भूख तो बहुत लगी है यार,
अपने गांव में होते तो मैं यूं खाने के ढेर लगा देता हूँ। दोनों जने भैंस की तरह खाते यार। दिमाग से भैंस नहीं जाने का है? बाबा अगर सब कुछ दिमाग से निकल गया तो बाकी बचेगा क्या? बेटा भी निकल गया। कोई बात नहीं, हम लोग चलते है ना बाहर, उधर जाके रोटी खाएगा। अच्छा ठीक है, आ जाओ रोटी खाने के लिए। खट्टा मीठा खट्टा मीठा। कमाल हो गया हशमत अदा यार, बात तो सुनो मेरी। ये शहर में इतनी महंगाई यार, इतना सा खाया और इतने पैसे। शहर में ऐसे ही होना? कैसे होना है? ओ बच्चू यार, ओ बच्चू बाबा इधर हेड़िया हेड़िया हेड़िया। जी बाबा जानी जी। अरे बाबा तेरा अब्बा इधर बैठा हुआ है, तेरा सुसर इधर सुबह से भूखा बैठा हुआ है, तुझे कोई एहसास नहीं हुआ कि कुछ लाते? बाबा जानी लेकर आया हूँ ना। अच्छा क्या लाया है, जल्दी बता। इनके लिए रक्षा। चिंगची चिंगची लाने का तो मैं आराम से जाने का जी। बच्चू ये क्या बोल रहा है तू? अरे शहरी हो गया है, एक दिन में क्या चलिया? नहीं नहीं बाबा जानी ऐसी बात नहीं है, मसला ये है कि कब तक पड़े रहेंगे बेटी के घर में। बात है तुमने बिल्कुल ठीक बोला है ना। अच्छा तुझे ऐसा लगता है? हाँ हाँ, और क्या बोलने का। चल भाई जल्दी से निकल बेटी के घर से, बेटी के घर में ज्यादा देर नहीं रह जाता। अरे मेरे तो बेटे का घर है, रहूंगा ऐश से। बाबा जानी आपके लिए भी एक चीज लाया। जो भी इनके लिए लाया मैं देख के जाएगा। अच्छा क्या लाए भाई? बाबा जानी ये 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 आपके लिए। ये क्या है? बाबा जानी ये गाँव जाने का टिकट है, बस का। बस का टिकट। चल भाई मॉल है, अब तुम भी जाने की तैयारी करने का। यार ये तो वाकई शहरी हो गया। आने का मैं रक्षे में बिठा के तुमको बस अड्डे पे छोड़ देने का। चलो ए? अच्छा बाबा जब फैसला हो ही गया है तो बस चलो। बच्चू मेरे बेटे को बुलाओ ना जरा देखने का। हाँ बिल्कुल बुलाता हूँ बाबा साहब, आप चलो ना गेट तक, मैं बुला के। आने का आने का आने का। पापा आपने अपना ख्याल रखना और मेरी परेशानी हो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, तुमने रक्षा मंगा लिया ना, किराया मैं खुद देगा। बाबा जारी हम जा रहे हैं। पर हट 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 हट, मैं कहाँ जा रहा था, तुमने खुद मुझे टिकट ला कर दिए है। बाबा जारी वो तो मैं रस्मी हो रहा था ना। खैर मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, औरत घर की इज्जत होती है, अपनी इज्जत का ख्याल रखना। जी 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 बाबा जानी जी। अच्छा सीमा बेटा मैं चलता हूँ, इसका ख्याल रखना बेटा, वक्त पे इसको चारा पानी देती रहना, बिल्कुल गाय की तरह है मेरा बेटा। आप फिकर ना करें, इसको चारा मैं टाइम पे दूंगी। इसको लूसन भी देने का। हाँ पापा लूसन भी टाइम पे दूंगी। बात सुनो, मैं आदमी थोड़ा खट्टा तो थोड़ा मीठा। चलने का। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़। 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 ओ भाई किधर, यहाँ कहाँ? अरे बाबा शहर में रहना ठाट से, किसी को ये मालूम ना हो कि तुम शहर में नए आए हो। अरे नहीं बाबा, हम तो बहुत पुराने हैं, किसने कहा तुमसे? पुराने? लेकिन इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ देखा नहीं है। अरे बाबा हम यहाँ नहीं रहता था, हम कहीं और रहता था। कहीं और से मतलब कहाँ? मतलब आपको सब जानना है, आप पुलिस में हो क्या? नहीं 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 पुलिस में नहीं हूँ भाई, मल्लेदार हूँ, रंगीले भी नाम है मेरा। भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये सब नजर रखनी पड़ती है ना। अच्छा अच्छा रंगीले मियाँ, अभी हमने मल्लेदारी शुरू नहीं की है बाबा, जब हम शुरू करेंगे ना तब आ जाना, सब मालूम करना है। पता नहीं कहाँ का बाबा, हम यहाँ पे 2000 साल से रह रहे हैं, 2000 साल से। 2000 साल से रंगीले मियाँ, कहीं ये भूत तो नहीं है? पता करना पड़ेगा, कोई गड़बड़ जरूर है,
2000 साल से निकल रहे रंगीले भैया। बच्चों ये क्या है? अरे बाबा मेरी गाय का मुजस्मा है। वो तो मुझे दिख रहा है पर किस लिए? मुझे गाँव की याद ना आए इसलिए मैंने ये बनवा लिया। पर बच्चों इसको हम यहाँ घर में कैसे रखेंगे? तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। अरे बाबा पूछना कैसा, मैं भी तो आधा मालिक हूँ इस घर का। अभी तो मैं पूरा बड़ा बनवा रहा था, ये सोच के मैंने सिर्फ एक ही क्या बनवाया। पूरा का पूरा बाड़ा क्या हो गया? हाँ बाबा मेरी जिंदगी तो यही है। अच्छा आप इसको घर के बीचों बीच नहीं रखना, समझ में आई है? अरे नहीं बाबा नहीं, मैंने इसको यहाँ रखा है, घर के बीच में नहीं रखा। यहाँ आके बैठ के ना मैं इससे बहुत सारी बातें की। बच्चों तुम भी ना। वाह सही वाह, ये भी अच्छी मिल गई है और तू भी यहाँ मौजूद है, मैं तेरे से दिल की बातें कर। लेकिन मुझे अपना गाँव बहुत याद आ रहा है। बच्चों अरे बाबा खट्टा मीठा। ओ मैडम किधर चली? अरे तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? अब इस पैकिंग के अंदर क्या है मुझे क्या पता? अरे बाबा खूबसूरत छोकरियों को देख के छोकरे पीछे लग जाते हैं। एक दो रोज रुक जाओ फिर चली जा। मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ कम से कम तेरे मरने तक। मैनेजर के लिए लोग आए। अरे बाबा मैनेजर के लिए लोग क्यों आ रहे हैं जबकि अभी तो मैनेजर भी नहीं आया है। मैडम ने कह दिया ना बंदा रख दिया, तुम जा सकते हो। अब ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। अच्छा नौकर है बेटा, फटाफट दो गिलास पानी ले। आई एम जानी, यहाँ की मालकिन सीमा मैडम का मैनेजर। आप कौन? ये मुझे अदा जो घर आए माँ जरीना। इम्प्रोवाइज़ नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नौकर वो चाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।